السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. मैं हूं रशीद अहमद. आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल. आपको मेरे चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज देखने को मिलेगी. आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और आयल का ऑप्शन जरूर चुन लें. चलिए देखते हैं आज की रेसिपी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये हरी मिर्ची, कोथमीर, पुदीना, अदरक, लहसुन और नींबू और थोड़ा सा हैंग कर दही, ये का उसका ये पेस्ट है. अब इसके अंदर हम ये आधा किलो चिकन का छोटा छोटा पीस कबाब का ये मैरिनेट करेंगे. अभी इसमें थोड़ा नमक डालना है, नमक डालते हैं. अभी इसके अंदर देखिए, ये पौना चम्मच सादा नमक है, पाव चम्मच काला नमक, एक चम्मच एक वो कसूरी मेथी, आधा चम्मच ये गरम मसाला है, दो पीस हल्दी है और ये आधा चम्मच जीरा पाउडर है भुना हुआ, ये सब इसमें डाल देंगे. इसमें मैं एक चम्मच पपीते का पेस्ट डाला हूँ. अब ये सबको मिक्स करते हैं. अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं कड़े पत्ता का डाल देंगे और इसको मैं एक घंटे के लिए फ्रीजर में रख देता हूँ. एक घंटे बाद मिलते हैं. इसको एक घंटा हो गया, मैं फ्रीज से निकाल लिया हूँ. अब इसके अंदर ये तीन चम्मच मैं कॉर्नफ्लावर का आटा डाल रहा हूँ, ताकि जो चिकन का थोड़ा पानी निकला है वो इसमें सब जस्ट हो जाए, मिक्स हो जाए. अब इसे 10 मिनट ढक देते हैं जब से तेल गरम करते हैं. हम चेक करेंगे तेल हमारा गरम हुआ कि नहीं हुआ. एक पीस दाल को पहले हम देख लेते हैं. मसाला सब थोड़ा थोड़ा छूट रहा है. इसके अंदर मसाले में मैं एक अंडे का सफेदी डाल देता हूँ, उसके बाद एक पीस डाल कर और देखता हूँ. अभी इसके अंदर मैं एक अंडे का आधी सफेदी मिलाया हूँ. और आज मीडियम है, तेज नहीं रखा हूँ. जब 6-7 पीस डालेंगे, ज्यादा नहीं हो जाएगा तो फिर दोबारा डालेंगे दूसरे टैंक में. अभी 1-2 मिनट छोड़ के बाद में इसको पलटी करेंगे. 2 मिनट से एक साइड से फ्राई करके फिर उसको पलट देंगे और 1-2 मिनट इधर से भी तरफ फ्राई कर लीजिए. देखो तो अभी अंडा डालने के बाद मसाला है बहुत ज़्यादा नहीं छूट रहा है, बहुत मामूली आ रहा है और बराबर पकड़ रहा है. ये देखो बस 6-7 मिनट के अंदर हो जाता है, रेडी हो जाएगा. इसको निकाल के मैं पूरा फ्राई कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ. 2-3 मिनट एक साइड पर अच्छे से फ्राई कर ले मीडियम आंच में, फिर 2-3 मिनट दूसरे साइड पर भी ऐसे ही फ्राई करें ताकि अंदर तक गल सके और अंदर तक चिकन पूरा पक जाए. आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप किस तरह से वीडियो देख रहे हैं और ट्राई जरूर कीजिएगा. ट्राई करके बताइए आपको कैसा लगा, समझे, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए वीडियो. ये हरे मसाले का चिकन कबाब बनाया. ये हमारा हरे मसाले का चिकन कबाब रेडी हो गया, हरियाली चिकन कबाब का हिसाब भी बोल सकते हैं. अभी आप ये सब स्टार्टर का है और ये कड़े पाक ऊपर से फ्राई करके पड़ता है. जायका बहुत अच्छा है, सबके देख रहा हूँ. आप एक बार ट्राई करिए और ट्राई करके कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा.
और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको वीडियो का शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे को थोड़ा आगे बढ़ाइए। और चलिए दूसरी रेसिपी के साथ दूसरी वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन।